दिल्ली में मानसून दहलीज पर खड़ा है, लेकिन मानसून की तैयारी को लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी आमने सामने है। हालात ये हैं कि एमसीडी की मीटिंगों से दिल्ली सरकार के विभाग जो है उसमें शामिल नहीं हो रहे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के मेरे साथ नॉर्थ एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन जयप्रकाश जी है। जयप्रकाश जी, क्या आप लोग इतने दोनों आमने सामने आ गए हैं कि एमसीडी मीटिंग बुलाता है और जल बोर्ड और जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली सरकार के विभाग है जिनको मानसून की तैयारी करनी है वो मीटिंग में हिस्सा भी नहीं लेते? मुझको लगता है कि दिल्ली सरकार गंभीर नहीं है, ना ही दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री गंभीर हैं, क्योंकि मानसून आने वाला है। दिल्ली की जनता जल भराव का सामना ना करे इसके लिए हमने एक संयुक्त बैठक बुलाई थी, जिसमें एमसीडी के सभी अधिकारी, जल बोर्ड के सभी अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के सभी अधिकारी, फ्लड के सभी अधिकारी जो नाला सफाई के काम में लगते हैं उन सबकी बैठक हो और सब अपने अपनी रिपोर्ट बताएं। हमने ट्रैफिक के भी लोग बुलाए थे, कौन कौन से दिल्ली में ऐसे पॉइंट है जहाँ जल भराव के कारण से ट्रैफिक जाम होता है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पीडब्ल्यूडी और दिल्ली जल बोर्ड विभाग का एक भी अधिकारी बैठक में नहीं आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके अधिकारी या तो दिल्ली की जनता को जल भराव से बचाना नहीं चाहते या वो दिल्ली की जनता को जल भराव में डुबाना चाहते हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली की सरकार कर क्या रही है? दिल्ली की सरकार सो रही है क्या? अगर सो रही है तो जागो, हम तो बार बार जगा रहे हैं। ये दिल्ली के साथ दुर्व्यवहार ठीक नहीं है। इन दोनों विभागों को इस मीटिंग में आकर क्या कुछ जानकारी देनी थी, क्या कुछ बताना था? हमने एक रिपोर्ट अपने जो हमारे निगम के अधिकारी हैं उनसे एक रिपोर्ट तैयार करवाई थी कि एमसीडी के नाले कितने हैं, एमसीडी के नालों की कितनी सफाई हो गई है। ऐसी हमने उनसे कहा था कि अपने अपनी रिपोर्ट लेकर आओ, क्योंकि जब नालों की सफाई होती है तो जो सिल्ट निकलती है वो साइड पर जाके जमा होती है, तो हम जितनी रोज़ सिल्ट निकालते हैं उसका उसके अंदर रिकॉर्ड आता है। तो पीडब्ल्यूडी ने कितनी सिल्ट रोज निकाली, कितनी सफाई हो रही है, फ्लड ने कितनी निकाली, जल बोर्ड ने कितनी निकाली, वो अपने आंकड़े बताते। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके पास ना कोई आंकड़े हैं ना कोई काम है। दिल्ली जल बोर्ड, पीडब्ल्यूडी विभाग और दिल्ली सरकार, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता को जल भराव का सामना ना करना पड़े इसके प्रति कतई भी गंभीर नहीं है। आप लोगों को कोई कारण इन दोनों विभागों की तरफ से बताया गया कि उनके अधिकारी इस मीटिंग में क्यों नहीं आए, क्या वजह रही? जब आदमी काम नहीं करता तो बताएगा क्या? इसका अर्थ यह है कि उनके इन विभागों ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। अगर व्यक्ति ने काम किया होता तो वो मीटिंग में जाकर के जोर से बताता है कि मैंने ये काम किया, ये मेरे आंकड़े हैं। और जो काम नहीं करता वो नज़रें छुपाता है, तो दिल्ली सरकार नज़रें छुपा रही है। एमसीडी की कितनी तैयारी, क्या एमसीडी ने अपने हिस्से वाले नाले साफ कर दिए हैं पूरे? एमसीडी के लगभग 90% नाले साफ हो गए हैं, लेकिन तकलीफ एक बात की कि जो एमसीडी के नाले हैं वो जा करके पीडब्ल्यूडी के नालों में ही जुड़ते हैं, और वो जब बंद होंगे और वो चोक होंगे तो उनका जो पानी भरेगा वापिस आ जाएगा, तो हमारी मेहनत पर भी पानी फिर जाएगा। तो बिल्कुल हालात ये है मानसून से पहले कि एमसीडी की मीटिंग में दिल्ली सरकार के विभाग के अधिकारी शामिल नहीं हो रहे, और ऐसे में एमसीडी ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार मानसून की तैयारियों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है। कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ कुलदीप शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।